हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाफ लाइफ डेरिवेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ एक्चुअल में होता क्या है? हाफ लाइफ एक्चुअल में वो टाइम होता है जिस टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? के इक्वल टू ए नोट माइनस ए अपॉन टी। अब क्या करेंगे, इसको टी को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, के टी इक्वल टू ए नोट माइनस ए, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन वन। हाफ लाइफ डेरिवेशन के लिए टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन पुट करना होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लेंगे टी। टी का वैल्यू लेंगे हम लोग टी हाफ और ए का वैल्यू लेंगे ए नोट अपॉन टू, इसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन वन में। यहाँ पर हाफ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये हाफ लाइफ डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, पुट कर देंगे तो के टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू ए नोट माइनस ए का वैल्यू क्या लेंगे, ए नोट अपॉन टू। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए नोट अपॉन टू। जैसे मैथ में हम लोग एलसीएम निकालते हैं उसी तरह से हम लोग इसका भी एलसीएम निकालेंगे। इसके नीचे क्या है, वन है, इसके नीचे टू है, वन और टू का एलसीएम निकालेंगे क्या होगा, टू होगा। उसके बाद क्या करते हैं, आप लोगों को पता ही है, क्या हो जाएगा, टू ए नोट माइनस ए नोट। इसके बाद क्या लिखेंगे, के टी हाफ इक्वल टू ए नोट बाय टू। ए नोट बाय टू कहाँ से आया, यहाँ पर टू ए नोट है और यहाँ पर वन ए नोट है, तो टू में से वन माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, ए नोट बचेगा, ए नोट अपॉन टू। अब क्या करेंगे, के को इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू ए नोट अपॉन टू के। ये क्या है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। अगर इससे रिलेटेड हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड अगर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। आप इस नोट्स को स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। सो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।